ऊपर पबजी मोबाइल टेस्टिंग कर रहा है और हो सकता है हमें वो फ्यूचर में देखने को मिले। अब ये तो हम जानते ही हैं कि हर वो नया अपडेट जो पबजी मोबाइल में आता है उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा नए फीचर्स और नए व्हीकल्स प्लेयर्स को खेलने के लिए दिए जाएं। और इसी वजह से रिसेंट अपडेट्स में बहुत सारे नए नए व्हीकल्स इंट्रोड्यूस भी किए गए हैं। जैसे कि पहले हमें फ्लेयर गन ड्रॉप के अंदर एक आर्मर्ड यूएजी मिलती थी, बट अब एक बीआरडीएम मिलती है। विकेंडी मैप के अंदर एक नई गाड़ी ऐड हो गई है जिसका नाम है जीमा, और एक नई स्नो बाइक भी ऐड हो गई है। एंड कुछ इसी तरह से जो एक नया पेलोड मोड ऐड हुआ था उसके अंदर हमें नए हेलीकॉप्टर्स भी यूज करने के लिए मिले। लेकिन फ्यूचर में न्यू मोड्स और न्यू अपडेट्स के अंदर पबजी मोबाइल किस तरह के न्यू व्हीकल्स डिजाइन कर रहा है और किस तरफ जाने वाला है पबजी मोबाइल का फ्यूचर, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि पबजी मोबाइल लगातार नए व्हीकल्स और नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। आपको याद होगा मैंने पेलोड मोड 2.0 वाले वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है रैंगल 2.0 मैप के अंदर जो न्यू पेलोड मोड आने वाला है उसके अंदर हमें जेट एयरप्लेन भी देखने को मिले। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी तरह के अपडेट्स दिखाने वाला हूँ जिन पर काम चल रहा है और बहुत जल्द वो हमें पबजी मोबाइल में देखने के लिए मिल सकते हैं और खेलने के लिए भी। तो आओ फिर देखें क्या क्या नया आने वाला है पबजी मोबाइल में। तो मेरे भाई, ये सबसे पहला बहुत ही धांसु व्हीकल हो सकता है एक जेट एयरप्लेन। जैसे ही रैंगल 2.0 मैप ग्लोबल वर्जन में लॉन्च हो जाएगा उसमें सबसे पहले मोड्स में से जो एक मोड आने वाला है वो होने वाला है पेलोड मोड 2.0। तो जैसा कि इस वीडियो में हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, इन जेट एयरप्लेन्स में दो फायरिंग मोड्स रहने वाले हैं। एक तो सिंपल फायर ऑप्शन दिखने वाला है जिसे प्रेस करने से मशीन गन फायरिंग शुरू हो जाएगी, और ये जो सेकंड ऑप्शन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है इसे यूज करते हुए हम मिसाइल भी लॉन्च कर पाएंगे। तो मेरे भाई, इसमें गौर करने बात ये है कि अगर गलती से भी किसी प्लेयर के हाथ ये जेट एयरप्लेन लग गया तो वो पूरे रेंगल मैप में तबाही ही मचा देगा पेलोड मोड के अंदर। तो मेरा मानना तो ये है कि एक बहुत ही अनफेयर ऑप्शन होगा कि अगर इस तरह का कोई व्हीकल पबजी मोबाइल के किसी स्पेशल मोड में लॉन्च किया जाए। एंड इस न्यू व्हीकल सिस्टम को फेयर बनाने के लिए हो सकता है पबजी मोबाइल को कुछ स्पेशल तरह के रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम्स डिजाइन करने पड़ जाएं जो प्लेयर्स के लिए बहुत ही इजी टू यूज हो। अब पबजी मोबाइल इस नए जेट एयरप्लेन को अपने ऑफिशियल वर्जन में रिलीज कब करेगा और रिलीज करेगा तो किस मोड में करेगा एंड रिलीज करेगा भी के नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। सिर्फ इतना पता चला है कि ये पबजी मोबाइल के एक बेटा वर्जन के अंदर रिलीज किया गया है। एंड गाइस, जब मैं पबजी मोबाइल कहता हूँ तो उसका मतलब सिर्फ पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन नहीं है, पबजी मोबाइल चाइनीज वर्जन और पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन भी है, क्योंकि PUBG मोबाइल के हर वर्जन में सिमिलर मोड्स और सिमिलर फीचर्स ही रिलीज किए जाते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि किसी वर्जन में कोई फीचर पहले आ जाता है तो किसी वर्जन में कोई फीचर थोड़ा बाद में आता है। और इसी तरह का एक और फीचर या फिर यूं कह लो कि एक और न्यू व्हीकल है ये टैंक। इस टैंक के अंदर हमें सिर्फ एक ही फायरिंग ऑप्शन दिख रहा है गाइस, जो कि है बॉम्ब फायरिंग ऑप्शन। कोई भी बुलेट फायरिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सो ऐसा ही एक और बहुत ही अमेजिंग व्हीकल हो सकता है ये ब्लैक फरारी। एंड ये फरारी हमें एज अ न्यू व्हीकल मिले ये तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से हमें एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के अंदर नई नई स्किन्स देखने को मिलती है, ये फरारी वाली स्किन भी हमें डासिया के अंदर देखने को मिले। जो सबसे ही धांसु और ओवर पावर्ड फीचर मुझे इस ब्लैक फरारी स्किन या फिर न्यू व्हीकल फरारी का लग रहा है गाइस, वो है इसका नाइट्रस ऑक्साइड बूस्ट ऑप्शन। जैसे ही हम इसमें स्पीड बूस्ट ऑप्शन प्रेस करेंगे ये फरारी हमें एक नया स्पीड बूस्ट एनिमेशन शो करने वाली है। सो अगर इसी तरह की दिखने वाली कोई भी स्पोर्ट्स कार, चाहे वो फरारी हो या फिर लैम्बोर्गिनी हो, चाहे कोई भी और वर्जन, बस स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए गाइस और ये नाइट्रस ऑक्साइड बूस्ट होना चाहिए, फिर तो मेरे भाई हमें एस्फाल्ट या फिर इसी तरह के दूसरे रेसिंग गेम्स जैसा एक्सपीरियंस पबजी मोबाइल में भी मिलने वाला है। सो ये जो नेक्स्ट व्हीकल हमें पबजी मोबाइल के एक चाइनीज बेटा के अंदर देखने को मिला, ये भी बीआरडीएम की तरह एक ड्रॉप में से मिलने वाला व्हीकल है। सो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस तरह से आर्मर्ड यूएजी के बाद बीआरडीएम देखने को मिली, बिल्कुल उसी तरह से बीआरडीएम के बाद नेक्स्ट अपडेट में हमें इस तरह का कोई व्हीकल बीआरडीएम 2 देखने को मिले। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर भी जेट एयरप्लेन की तरह दो फायरिंग मोड्स दिए हुए गाइस, एक तो नॉर्मल मशीन गन फायरिंग वाला और दूसरा रॉकेट लॉन्चर वाला। तो ये न्यू व्हीकल बीआरडीएम 2 हमें क्लासिक मोड के अंदर तो खेलने के लिए नहीं मिलने वाला, ये हमें किसी स्पेशल मोड जैसे कि पेलोड मोड 2.0 या फिर उससे सिमिलर किसी और मोड के अंदर खेलने के लिए मिले। अब ये जो नेक्स्ट व्हीकल आप देख रहे हो गाइस, ये है एक होवरक्राफ्ट, और ये तो आप जानते ही हो कि एक होवरक्राफ्ट को हम पानी के अंदर भी ड्राइव कर सकते हैं और लैंड के ऊपर भी। ये दिखने में तो कुछ कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे किसी बोट की कोई स्किन रिलीज कर दी गई हो, बट एक्चुअली ये एक ब्रांड न्यू व्हीकल है गाइस, जो रैंगल 2.0 के बेटा वर्जन के एक न्यू मोड के अंदर रिलीज हुआ है।
ये जो स्पेशल मोड इन एंगल 2.0 मैप के अंदर आया है गाइस, ये बेस्ड है एक चाइनीज फेस्टिवल के ऊपर। सो इतना तो तय हो गया कि ये स्पेशल मोड ग्लोबल वर्जन के अंदर तो रिलीज नहीं होने वाला गाइस, क्योंकि ये फेस्टिवल सिर्फ चाइना में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम ड्रैगन बोट फेस्टिवल है। लेकिन जिस तरह से जंगल एडवेंचर मोड चाइनीज वर्जन में रिलीज नहीं हुआ था, उसके बाद भी चाइनीज वर्जन में यूज किए गए हॉट एयर बलून्स जंगल एडवेंचर मोड के अंदर भी यूज किए गए हैं, ठीक उसी तरह से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये न्यू व्हीकल होवरक्राफ्ट हमें पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन के किसी स्पेशल मोड में या फिर एज अ न्यू व्हीकल ही क्यों ना मिल जाए। भाई मुझे तो ये होवरक्राफ्ट बहुत जबरदस्त लगा। चाहे जोन कहीं भी शिफ्ट हो जाए, हम इस होवरक्राफ्ट को यूज करते हुए किसी भी तरह के पानी में से चुटकियों में निकल जाएंगे। तो आपको पबजी मोबाइल में फ्यूचर में इंट्रोड्यूस किए जाने वाले ये सारे व्हीकल्स कैसे लगे और आपका इन सब में से फेवरेट व्हीकल कौन सा है, मुझे इसके बारे में जरूर बताना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय गेमर्स।